बिहार की राजधानी पटना को गार्डन सिटी बनाने की तैयारी जोरों पर है। इससे शहर हरा भरा रहेगा और प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। सरकार वीआईपी इलाकों से लेकर व्यस्त सड़कों तक ग्रीन बेल्ट बनाएगी। पटना पार्क प्रमंडल हर जगह पौधे लगाएंगे और ग्रिल से उनकी सुरक्षा भी करेगा। इससे धूल कम होगी और हवा साफ होगी। यह योजना अगले 8 साल में पूरी होगी। दरअसल बिहार सरकार पर्यावरण को लेकर गंभीर है और पटना को हरा भरा बनाने के लिए हैदराबाद और बेंगलुरु से खास किस्म के पौधे मंगवाए जा रहे हैं। इसमें सॉन्ग ऑफ इंडिया, अरेलिया, ब्लैक ग्रास, केन पाम, स्पाइडर लीली, एग्लोनियमा, डफीस पार्क जैसे कई सुंदर पौधे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि पौधों का चुनाव सोच समझकर किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि फ्लाईओवर के नीचे धूप आती है, इसलिए वहां ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जो घर के अंदर भी रह सकते हैं। बताया जा रहा है कि यह काम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है और पिछले साल से चल रहा है। जैसे जैसे जगह मिलती है, काम आगे बढ़ता है। इस साल 8 से 10 जगहों पर हरित पट्टी बनाई जाएगी। कुछ जगहों पर काम शुरू हो गया है और बाकी जगहों पर दुर्गा पूजा के बाद शुरू होगा। अभी पटना में प्रदूषण बहुत है और हवा खराब है, इससे लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। सरकार हालात सुधारने के लिए कई प्रयास कर रही है और यह पहल उसी दिशा में एक कदम है। इससे फ्लाईओवर के नीचे की जगह खूबसूरत बनेगी और धीरे धीरे वहाँ के लोग सेल्फी लेने भी आएंगे। पटना पार्क प्रमंडल इन पौधों की देखभाल भी अच्छी तरह से करेगा।